YouTube के इस चैनल में आप सबका स्वागत है। इससे पिछले वाले टॉपिक में हमने न्यूक्लियस की कंप्लीट स्टडी किया था और उसी में हम लोग आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रोमेटिन। तो सबसे पहले हम जान रहे हैं कि क्रोमेटिन क्या है। तो क्रोमेटिन क्या है, द मेटीरियल ऑफ द क्रोमोजोम इज द क्रोमेटिन, यानी क्रोमोजोम के अंदर जो मेटीरियल है वही क्या है, क्रोमेटिन। डिपेंडिंग ऑन देयर स्टेनिंग प्रॉपर्टी, हम इसको स्टेन करते हैं तो स्टेनिंग प्रॉपर्टी, ये क्या है, टू टाइप ऑफ क्रोमेटिन मे बी डिस्टिंग्विश, ठीक है, इन द इंटरफेज न्यूक्लियस। और ये टू टाइप ऑफ जो क्रोमेटिन हमारा अकॉर्डिंग टू स्टेनिंग प्रॉपर्टी के हिसाब से होता है वो क्या है, यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन। तो यूक्रोमेटिन मीन्स क्या होता है, ट्रू, और हेट्रो मीन्स आपका फर्दर क्या है, यूक्रोमेटिन जो आपका ट्रू क्रोमेटिन है जो सेल डिविजन में पार्टिसिपेट करेगा, या आप अदरवाइज कह सकते हैं ये जेनेटिकली ट्रांसक्रिप्शनली क्या है, एक्टिव है। और हेट्रोक्रोमेटिनिज्म क्या होता है, ये हमेशा एक्टिव नहीं होता है, ठीक है। तो क्रोमेटिन इज ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ डीएनए एंड बेसिक हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए और बेसिक हिस्टोन प्रोटीन का क्या है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसमें क्या होता है, अबाउट 60% प्रोटीन होती है, 35% डीएनए होती है एंड 5% आरएनए होती है। इन यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, क्रोमेटिन इन न्यूक्लियस फॉर्म क्या है, लाइटली स्टेन होगा, क्रॉप टू थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, और इसी को हम क्या कहेंगे, क्रोमेटिन थ्रेड या क्रोमोनिमाटा, इसी को हम क्या कहेंगे, याद रखिएगा, जो आपका यूकैरियोटिक में आपका क्रॉप लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो क्या है, क्रोमोनिमाटा। इट फॉर्म क्रोमेटिन नेटवर्क, जो क्या करता है, क्रोमेटिन नेटवर्क का फॉर्मेशन करता है। एट द टाइम ऑफ सेल डिविजन, सेल डिविजन के समय क्या होगा, क्रोमेटिन थ्रेड कंडेंस हो जाता है, ठीक है, एंड थिकन हो जाता है टू फॉर्म द क्रोमोजोम। तो क्या होता है, सेल डिविजन के समय क्या है, ये थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर है ये क्या होगा, कंडेंस हो जाएगा, और कंडेंस हो जाएगा और इस तरह क्या बना लेगा, मतलब ये कंडेंस स्ट्रक्चर है तो यही स्ट्रक्चर हमारा क्या बना लेगा, क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर बनना लेगा। तो यहाँ आप स्ट्रक्चर में देख ही सकते हैं कि ये लाइट स्टेन जो हमारा स्ट्रक्चर है, ये लाइटली स्टेन जो स्ट्रक्चर है ये हमारा क्या है, यूक्रोमेटिन, और डार्क स्टेन स्ट्रक्चर जो है हमारा वो क्या है, हेट्रोक्रोमेटिन। इसके अलावा हेट्रोक्रोमेटिन का और भी एक रीजन है जिसको हम क्रोमोसेंटर कहते हैं, और एक रीजन और होता है जो जस्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नीचे आपका हेट्रोक्रोमेटिन रीजन होता है, जो फीमेल मैमेलियन सेल में पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, बार बॉडी। इसके बारे में भी हम लोग आज स्टडी करेंगे, ठीक है, बार बॉडीज बोलेंगे इसको, ठीक है, फीमेल मैमेलियन सेल में। तो अब हम टाइप ऑफ क्रोमेटिन के बारे में स्टडी करते हैं कि टाइप ऑफ क्रोमेटिन कितने तरह के होते हैं। तो मैंने बताया कि दो तरह के होते हैं, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। तो सबसे पहले यूक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन क्या है, क्रोमोसोम का वो पोर्शन है दैट स्टेन लाइटली, ठीक है, जो लाइट कलर स्टेन होगा क्रोमोसोम का, और ओनली पार्शियली कंडेंस इज टर्म एज यूक्रोमेटिन, ठीक है। आफ्टर दैट यूक्रोमेटिन कंटेन स्ट्रक्चरल जीन, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि इट कंटेन स्ट्रक्चरल जीन विच रिप्लिकेट एंड ट्रांसक्रिप्ट ड्यूरिंग G1 और S फेज, ठीक है, यानी सेल डिविजन में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है, सेल डिविजन के इंटरफेज के समय जो G1 और S फेज है उस समय ये क्या करेगा, स्ट्रक्चरल जीन रिप्लिकेट करेगा और ट्रांसक्रिप्ट करेगा। द यूक्रोमेटिन इज कंसिडर्ड जेनेटिकली एक्टिव क्रोमेटिन, ये भी इंपॉर्टेंट थिंग है। डीएनए इज फॉर्म्ड, जो इसमें जो डीएनए है फाउंड पैक्ड इन 3 to 8 nm फाइबर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि इट न्यूक्लियोजोम्स पैकिंग, इसका न्यूक्लियोजोम पैकिंग इज लेस क्या होगा, कंडेंस होगा, ठीक है, और इसमें फॉलोइंग स्पेसिएशन होगा, मतलब ये इसमें बहुत खास स्पेसिएशन होगा। ये स्पेसिएशन क्या क्या हो सकता है, हिस्टोन H1 इज लेस टाइटली बाउंड, यहाँ पे जो लिंकर्स, जो बेसिक प्रोटीन का लिंकर्स है जिसको H1 हिस्टोन कहते हैं, ये क्या होगा, लेस टाइटली बाउंड होगा। द 4 न्यूक्लियोसोमल हिस्टोन आर प्रेजेंट इन नॉर्मल अमाउंट और दे आर हाईली एसिलाइटेड, ठीक है, एसिटिलाइटेड ऑन लाइसिन, ठीक है, नियर एमिनो एसिड टर्मिनस। तो ये भी ध्यान देने वाला चीज है। द एसिटाइल ग्रुप जो होगा आर कंटेन, जो कंटेन क्या करेगा, कंस्टेंटली बींग एडेड टू द हिस्टोन बाय एंजाइम, जिस हिस्टोन से वो क्या होगा, एसोसिएट होगा, एडेड होगा, उसको हम क्या कहेंगे, हिस्टोन एसिटाइलेज, और जिससे ये रिमूव होगा उसको क्या कहेंगे, हिस्टोन डी एसिटाइलेज।
तो ये भी इम्पोर्टेंट तरीका जान, इसमें स्पेशल बात होती है यूक्रोमेटिन में। साथ ही साथ क्या है, ईच जो इसमें जो डीएक्टिवेशन मतलब आपका जो एडिशन हो रहा है हिस्टोन एसिटाइलेज और हिस्टोन डी एसिटाइलेज का, इसका क्या होता है, ये परसिस्ट करेगा ओनली 10 मिनट। ठीक है, ईच एसिटाइल ग्रुप जो परसिस्ट करता है वो सिर्फ 10 मिनट तक परसिस्ट करता है। न्यूक्लियोजोम्स इन एक्टिव क्रोमेटिन सेलेक्टिवली बाइंड टू क्लोजली रिलेटेड स्मॉल क्रोमोजोम प्रोटीन्स। ठीक है, क्या किससे बाइंड करेगा, स्मॉल क्रोमोजोम प्रोटीन जिसको हम क्या कहेंगे, HMG-14 और HMG-17। ठीक है, तो ये क्या हुआ, HMG का फुल फॉर्म क्या होगा, हाई मोटेबिलिटी ग्रुप। ठीक है, और एक्टिव क्रोमेटीन इज हायर इनरिच्ड इन क्या है, माइनर हिस्टोन H2O। जो हिस्टोन का हमारा अलग अलग कैटेगरी होता है, हिस्टोन 5 तरह के हिस्टोन या बेसिक प्रोटीन 5 तरह के होते हैं, H1, H2B, ये 5 कैटेगरी हमारी क्या है हिस्टोन प्रोटीन की, H1 हिस्टोन, फिर H2A, H2B, H3 और H4। तो इसमें हमारा ये H1 क्या होता है, लिंकर्स है, और इसमें क्या है हमारा माइनर हिस्टोन जो है वो क्या है H2, ठीक है H2A। तो ये हमारा क्या हो गया, यूक्रोमेटिन जो क्या है जेनेटिकली क्या है आपका एक्टिव है और ट्रांसक्रिप्ट कर सकता है और DNA रिप्लिकेशन में भाग ले सकता है। तो अब हम हेटरोक्रोमेटिन के बारे में जानते हैं कि हेटरोक्रोमेटिन क्या है। हेटरोक्रोमेटिन फॉर्म दोज रीजन ऑफ क्रोमेटिन दैट रिमेन कंडेंस एंड डार्कली स्टेन ड्यूरिंग इंटरफेज एंड अर्ली प्रोफेज। तो इंटरफेज अर्ली प्रोफेज के इंटरफेज के समय और अर्ली प्रोफेज के समय जो डार्कली स्टेन कलर्ड है कंडेंस रीजन है वही क्या है, हेटरोक्रोमेटिन रीजन। आप यहाँ देख सकते हैं हेटरोक्रोमेटिन यहाँ यहाँ, तो ये हेटरोक्रोमेटिन रीजन है। हेटरोक्रोमेटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली क्या होता है, इनएक्टिव होता है। ठीक है, एंड इट रेजिस्टेंस टू न्यूक्लियस डाइजेशन। ओके, दिस रीजन फॉल टू रिप्लीकेट ड्यूरिंग अर्ली साइकिल ऑफ DNA सिंथेसिस। ठीक है, DNA सिंथेसिस के अर्ली साइकिल में होता है एंड रिप्लीकेट आफ्टर द रिप्लीकेशन ऑफ यूक्रोमेटिन। अगर मान लीजिए हेटरोक्रोमेटिन का कोई रीजन है जो क्या है, कोई रीजन परमानेंटली क्या होता है इनएक्टिव है और कोई रीजन क्या होता है टेम्पररी इनएक्टिव होता है, तो जो टेम्पररी इनएक्टिव रीजन होगा हेटरोक्रोमेटिन रीजन का, वो DNA यूक्रोमेटिन के रिप्लीकेशन के बाद वो क्या करेगा, रिप्लीकेट होता है। ठीक है, इट इज क्या है, इट इज रिप्लीकेटेड व्हेन बल्क ऑफ DNA हैज ऑलरेडी बीन रिप्लीकेटेड। यानी बल्क ऑफ DNA जब रिप्लीकेटेड हो जाएगा तभी क्या होगा, आपका DNA रिप्लीकेट होगा। इट स्पेशली हाई कंटेंट ऑफ रिपीटेटिव DNA सीक्वेंस। क्या होता है इसमें, रिपीटेटेड हेटरोक्रोमेटिन रीजन में क्या होता है, रिपीटेटिव DNA सीक्वेंस होता है एंड कंटेंट्स वेरी फ्यू, क्या करेगा बहुत कम, या फिर अगर करता भी है इफ एनी स्ट्रक्चरल जीन को अगर ये कंटेन करता भी है तो ये लेट रिप्लीकेट होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि हेटरोक्रोमेटिन रीजन क्या करता है, रिपीटेटिव सीक्वेंस ऑफ DNA को कंटेन करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और हैज ने बताया डिफाइन किया कि हेटरोक्रोमेटिन का वो रीजन क्या है, दोज रीजन ऑफ क्रोमोजोम That remains, ठीक है, condensed during interphase, interphase के समय ही condense हो जा रहा है या early prophase के समय ही condense हो जा रहा है, इस region को हम क्या कहते हैं, chromocenter। तो ये region हमारा क्या है, chromocenter का region है, क्योंकि ये हेड ने बताया, साइंटिस्ट ने बताया कि ये region क्या है, इंटरफेज और अर्ली प्रोफेज के समय ही कंडेंस हो जा रहा है। देख रहे हैं क्या है, मैं यहाँ ब्लैक से दिखा रही हूँ, यानी डार्क यानी प्रॉन हो जा रहा है प्रीमेच्योर कंडीशन में, यानी हाईली कंडेंस हो जा रहा है। तो इस रीजन को हम क्या कहते हैं, क्रोमो सेंटर। क्या बोलेंगे इस रीजन को, क्रोमो सेंटर। ठीक है, क्रोमो सेंटर। तो ये हमारा क्या हुआ, हेटरोक्रोमेटिन इस तरह क्या है, दो तरह का हो सकता है, एक कॉन्स्टिट्यूटिव हेटरोक्रोमेटिन जो क्या है परमानेंटली क्या होगा इनएक्टिव होगा, और दूसरा फैकल्टेटिव हेटरोक्रोमेटिन जो क्या होगा आपका सम टाइम के लिए एक्टिव होगा, यानी पार्शियली इनएक्टिव एंड पार्शियली एक्टिव होगा। ठीक है, यूक्रोमेटिन के बाद ये क्या करेगा, रिप्लीकेट करेगा। तो अब हम लोग कॉन्स्टिट्यूटिव हेटरोक्रोमेटिन के बारे में स्टडी करते हैं। इन सच हेटरोक्रोमेटिन द DNA इज परमानेंटली इनएक्टिव। आपको मैंने पहले भी बताया है कि हेटरोक्रोमेटिन का वो रीजन जो परमानेंटली इनएक्टिव होता है उसी को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव हेटरोक्रोमेटिन कहते हैं। तो DNA इज परमानेंटली इनएक्टिव एंड रिमेन्स इन द
कंडेंस स्टेट थ्रू आउट द सेल, इट अकर अराउंड द सेंट्रोमियर, कहां कहां ये पाया जाएगा? तो सेंट्रोमियर जो हमारा क्रोमोजोम का पार्ट है, यानी सेंट्रोमियर के दोनों तरफ पाया जाएगा, जैसे सेंट्रोमियर के जो साइड में अराउंड वहां पाया जाएगा, इन द टेलोमेयर रीजन, जब क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर बताएंगे तो बताएंगे, ठीक है, टेलोमेयर रीजन में पाया जाएगा, और इन द सी बैंड ऑफ क्रोमोजोम, वहां पे हेट्रोक्रोमेटिन रीजन का, कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन का रीजन पाया जाएगा। एग्जाम्पल इन ड्रोसोफिला विरिलिस में क्या है, इट फाउंड अराउंड द सेंट्रोमियर एंड सच कॉल्ड, जो इस तरह का जो हेट्रोक्रोमेटिन रीजन है इसको हम क्या कहेंगे, पेरिसेंट्रोमेरिक हेट्रोक्रोमेटिन, जो क्या करता है 40% ऑफ टोटल क्रोमोजोम का पार्ट है, ठीक है। इन सम स्पीसीज इंटायर क्रोमोजोम क्या होता है, बिकम हेट्रोक्रोमेटिन रीजन, मतलब इंटायर क्रोमोजोम क्या होता है, हेट्रोक्रोमेटिन रीजन हो जाता है, और इस तरह के क्रोमोजोम को हम क्या कहते हैं, बी क्रोमोजोम, ठीक है, सैटेलाइट क्रोमोजोम और एसेसरी क्रोमोजोम। और ये क्या करता है, कंटेन वेरी माइनर बायोलॉजिकल रोल, मतलब बहुत ज्यादा इसका फंक्शन नहीं है, बट यही होता है कि ये रिपीटेटिव सीक्वेंस ऑफ डीएनए होता है और स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। तो सैटेलाइट क्रोमोजोम की खासियत क्या है, सैटेलाइट क्रोमोजोम कॉल्ड द सैटेलाइट डीएनए, क्यों सैटेलाइट डीएनए कह रहे हैं, बिकॉज डिपेंड अपॉन द अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है, और डीएनए हैव ए हाई और लो, क्या होगा, ग्वानिन और साइटोसिन का हाई या लो कंटेंट्स होगा, और ये क्या है, मेन फ्रैक्शन पूरा क्या होगा, जी प्लस सी कंटेन देन द मेन फ्रैक्शन, चाहे हाई या लो होगा। इसका एक एग्जांपल है, जैसे माउस सैटेलाइट में डीएनए क्या है, ये डीएनए की 240 बेस पेयर होती है, मैंने क्या बताया कि रिपीटेटेड सिक्वेंस ऑफ डीएनए है, यानी डीएनए का सिक्वेंस बार बार क्या होता है, रिपीट होता है, तो ये रिपीट कितना टाइम्स हो रहा है, अबाउट 10^6 टाइम इन माउस जीनोम्स, माउस जीनोम्स में 10^6 टाइम्स हो रहा है, यानी कहने का मतलब है ये 240 जो बेस पेयर है वो क्या है, 10^6 टाइम क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, और 10% ऑफ द टोटल माउस डीएनए का होता है, तो ये क्या है, 10% ऑफ टोटल माउस डीएनए है। तो कॉन्स्टिटेटिव हेट्रोक्रोमेटिन बहुत आसान है, कहां कहां पाया जा रहा है, अराउंड द सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर के अराउंड में पाया जाएगा, और कहां पाया जाएगा, टेलोमियर रीजन, क्रोमोजोम के एंड में जो रीजन होता है उसको कहते हैं टेलोमेरिक रीजन, और कुछ स्पेशल आपका एसेसरी क्रोमोजोम का, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, कॉन्स्टिटेटिव हेट्रोक्रोमेटिन। अब हम लोग फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन के बारे में स्टडी करते हैं कि फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन क्या है। तो सच टाइप ऑफ हेट्रोक्रोमेटिन इज नॉट परमानेंटली मेंटेन इन कंडेंस स्टेट, यानी हमेशा ये कंडेंस स्टेट में नहीं होता है, रिप्रेजेंट टेम्पोररी स्टेट ऑफ इनएक्टिवनेस ऑफ क्रोमेटिन, क्या होता है, टेम्पोररी स्टेज ऑफ क्या होता है, इनएक्टिवनेस का होता है। इन मैमल्स, इसका बेस्ट एग्जांपल है इन मैमल्स, बेस्ट नॉन केस क्या है, एक्स क्रोमोजोम इन मैमेलियन, ठीक है, मैमेलियन फीमेल, यानी फीमेल मैमेलियन फीमेल में ये आपका पाया जाता है, कौन सा, फैकल्टेटिव टाइप का, ठीक है, हेट्रोक्रोमेटिन, जिसमें क्या होता है, वन ऑफ विच एक्टिव, एक एक्टिव होगा एंड अदर क्या होगा, रिमेन, जो एक्टिव होगा उसको हम क्या कहेंगे, यूक्रोमेटिन, ठीक है, वेयर इज अदर इज इनएक्टिव, ठीक है, और फॉर्म एट इंटरफेज, तो इसी को हम क्या कहेंगे, सेक्स क्रोमेटिन। यानी कहने का मतलब क्या है कि मैमेलियन फीमेल में क्या होता है, दो क्या होता है, दो एक्स क्रोमोजोम होता है, ठीक है, दो एक्स क्रोमोजोम होता है, जिसमें से एक एक्स क्रोमोजोम क्या होगा, आपका परमानेंटली इनएक्टिव होगा और एक एक्टिव होगा, तो यही परमानेंटली इनएक्टिव जो होगा वो टेम्पोररी कुछ समय के लिए क्या होगा, एक्टिव होगा, तो उसी को हम क्या कहेंगे, सेक्स क्रोमेटिन। और सेक्स क्रोमेटिन के हैं, या इसको कह सकते हैं बार बॉडी, किसको, आफ्टर द नेम ऑफ डिस्कवरर किसने खोजा था, मुरे एल बार ने खोजा था, इसलिए इसको बार बॉडी भी कहते हैं, यानी सेक्स क्रोमेटिन और बार बॉडी सेम थिंग है। बार बॉडी कंटेन डीएनए विच इज नॉट ट्रांसक्रिप्ट एंड नॉट फाउंड इन मेल्स, मेल में बार बॉडी नहीं पाया जाता और ना ही ट्रांसक्रिप्ट होगा। नंबर ऑफ बार बॉडी इज ऑलवेज वन लेस देन द नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, हमेशा क्या होगा, बार बॉडी का नंबर क्या होगा, हमेशा वन लेस देन होगा, किसके लेस देन होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम का। मान लीजिए अगर टू क्रोमोसोम है एक्स क्रोमोसोम, तो इसमें बार बॉडी का नंबर क्या होगा, वन। अगर मान लीजिए अगर थ्री
एक्स क्रोमोजोम है तो इसमें बार बॉडी का नंबर क्या हो, नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो है नंबर ऑफ बार बॉडी इज ऑलवेज वन लेस देन द क्रोमोजोम। तो अगर दो है तीन है तो क्या होगा, ये दो बार बॉडी, कितना बोलेंगे दो बार बॉडी प्रेजेंट है। इसी तरह जितना फर्दर यानी एक क्रोमोजोम जो होगा हमारा एक्टिव और बाकी जो होगा इनएक्टिव, जिसको हम क्या कहेंगे बार बॉडी। इसको किसने खोजा था, मुरे एल बार ने, तो ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, सारे फंक्शन देखते हैं यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन का क्या क्या है। तो सबसे पहले न्यूक्लियर हेट्रोक्रोमेटिन के फंक्शन के बारे में जानते हैं। ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है वाइटल एरिया ऑफ जीनोम्स अगेंस्ट एक्सटर्नल डिसरप्टिव फोर्स। जो भी बाहर के फोर्स होते हैं उस जीनोम्स को क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करता है। और अराउंड एनोआर रीजन के पास जो भी हेट्रोक्रोमेटिन रीजन पाया जाता है वो क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा सिस्ट्रॉन मतलब जीन। सिस्ट्रॉन क्या है, जीन जो एटीएस राइबोसोम आरएनए के लिए क्या हो रहा है उससे प्रोटेक्ट करेगा, ताकि वहां पे कोई भी म्यूटेशन या क्रॉसिंग ओवर ना हो पाए। सेंट्रोमेरिक हेट्रोक्रोमेटिन क्या करता है, पार्टिसिपेट इन सेपरेशन ऑफ क्रोमोजोम ड्यूरिंग सेल डिविजन। सेल डिविजन के समय जो आपका सेपरेशन होता है वो कौन करा रहा है, सेंट्रोमेरिक हेट्रोक्रोमेटिन। और क्या फंक्शन है इसका, अट्रैक्ट होमोलोगस क्रोमोजोम फॉर पेयरिंग ड्यूरिंग मियोसिस। होमोलोगस क्रोमोजोम में आपका साइनेसिस के समय क्या होता है, लेप्टोटिन जैगोटिन, जैगोटिन के समय साइनेसिस प्रोसेस की वजह से जो होमोलोगस क्रोमोजोम्स के बीच में अट्रैक्शन होता है तो वो कौन मदद कराता है, आपका सेंट्रोमेरिक हेट्रोक्रोमेटिन ही। इट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रिप्लीकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए। रिप्लीकेशन और ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन, यू क्रोमेटिन रीजन। यू क्रोमेटिन हैज ए कोडेड इंफॉर्मेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ वेरियस प्रोटीन। ठीक है, बहुत सारे प्रोटीन्स और एंजाइम्स के लिए इसके पास कोडेड इंफॉर्मेशन होता है, किसके पास, यू क्रोमेटिन के पास। ठीक है, और कंट्रोल करेगा सारे फंक्शन ऑफ द सेल, यानी ये फंक्शन क्या होगा, मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंडिविजुअल, क्योंकि वो सारे कैरेक्टर को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो इस तरह वो क्या कर रहा है, सारे उसके फिजियोलॉजिकल मेटाबॉलिक जो भी है या मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को किसी भी इंडिविजुअल को क्या करता है, वो कंटेन करता है, कंट्रोल करेगा। विद इन द यूक्रोमेटिन द हेट्रोक्रोमेटिन कंपार्टमेंट डिवाइड द जीनोम्स इनटू द सेवरल फंक्शनल पार्ट एंड सर्व एज ट्रांसक्रिप्शन फुल स्टॉप। यानी क्या है, हेट्रोक्रोमेटिन रीजन क्या है, इन बिटवीन द क्रोमेटिन के बीच में यूक्रोमेटिन रीजन है, उसके बीच में आपका क्या है हेट्रोक्रोमेटिन रीजन, जहां जहां भी पाया जा रहा है तो वो क्या कर रहा है, एज ए फुल स्टॉप की तरह काम कर रहा है, जहां पे हमारा ट्रू जो आपका क्रोमेटिन है वो आपका फॉर्मेशन कर रहा है या ट्रांसक्रिप्ट कर रहा है। तो इस तरह हमारा यूक्रोमेटिन पूरा, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन के बारे में हम लोग ने डिटेल स्टडी कर लिया, जिसमें यूक्रोमेटिन मतलब ट्रू एंड हेट्रो मींस आपका जहां पे क्रोमेटिन फाइबर्स डार्क स्टैंड है। ठीक है, ये भी दो तरह का होता है, कंसिटेटिव हेट्रोक्रोमेटिन एंड फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन। तो फिर है, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.